मित्रों आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? काफी लोगों के सवाल थे, बहुत सारे भाइयों के, तो मैं आज उन सवालों के जवाब देने जा रहा हूं कि जंतर मंतर कैसे आप लोग पहुंचेंगे। दूसरा सवाल ये है कि बैनर पोस्टर जो बनवाओगे वो किस तरह से बनवाओगे। तो पहला सवाल मेरे भाई ये है कि नई दिल्ली स्टेशन से लगभग 2.5 से 3.25 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर है। आपके पास ऑप्शन ये है कि आप पैदल भी शांतिपूर्वक जा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई प्रयास आप लोग ये करिएगा कि जब ट्रेन में चढ़ जाना तब लाल पगड़ी बांधना, और जंतर मंतर भी अगर पैदल जाना तो थोड़ी दूर निकल जाना तब बांधना, क्योंकि अगर स्टेशन वगैरह पे बांधोगे तो हो सकता है कि आप लोगों को रोक दिया जाए, क्योंकि ये महा आंदोलन है तो रुकावटें तो पैदा होंगी ही। आपके विभाग के कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो हो सकता है कि ऐसा षड्यंत्र रचे कि कुछ ना कुछ कराने का, तो थोड़ा आप लोग भी सावधानी दीजिएगा। तो आप लोग जंतर मंतर कर पहुंचेंगे तो 2.75 किलोमीटर मान के चलिए है। एक तो ऑप्शन है कि आप पैदल भी जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप चल सकते हैं तो मेरे भाई, नहीं तो मैं आपको सही सलाह दूंगा, ऑटो वालों के चक्कर में मत पड़ना, ये सब ठग होते हैं, वहां पे लूट लेंगे आपको। तो किसी भी तरह से आप ऑटोबाजी मत करना, क्योंकि एक एक ऑटो वाला जरा सी दूरी के 300 रुपए लेगा। भाई मैं बहुत पहले फंस चुका हूँ, 8 साल पहले की बता रहा हूँ, अभी भी लूट मारी चलती है वहां। आप ये करना कि सीधे या तो ई रिक्शा वालों से बात करना कि भाई 10-10 रुपए दूंगा हमको, चार चार पांच पांच लोग 10-10 या बहुत ज्यादा 15 ले लो, इससे ज्यादा मत देना। या एक काम करना, कोई प्राइवेट बस अगर वहां दिखे या कोई भी वाहन ऐसा दिखे तो 10-10, 15-15, 20-20 रुपए दे करके आप जंतर मंतर पहुंच सकते हो। तो आपकी सबसे पहली कंफ्यूजन तो ये दूर हो गई है। दिल्ली जैसे नई दिल्ली उतरोगे आप लोग, सभी लोग ज्यादातर नई दिल्ली उतरोगे, जो लोग हमारे साथ पैदल मार्च करना चाहते हैं वो 13 तारीख को यूपी बॉर्डर दिल्ली में मिले हमको, और जो लोग मतलब वहां पे हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें मतलब मैसेज के द्वारा या कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, तो वहां पे मिले तो वहां पे ये होगा कि वहां से हम लोग पैदल गश्त भी कर सकते हैं, तो फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मेरे भाई, आप जो लोग जो बैनर बनवाएंगे, अगर आप किसी संगठन से चल रहे हैं तो आपका संगठन का नाम लिखा होगा, और अगर आपकी इच्छा हो तो सहयोग में लिख दीजिएगा लोक जन समाज पार्टी। और इसके अलावा अगर जरा सा भी मैंने अच्छा किया हो तो भाई बताना मुझे, तो मेरी मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा, आप हमारी भी फोटो के लिए थोड़ी सी जगह दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा करे, अन्यथा नहीं भी दोगे तो मैं भूखा नहीं हूं अपने प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है मेरा भाई, इस तरीके से आप बैनर बना सकते हो। उसमें मुख्य तरीके से बस मांग यही होगा का एक समान कार, एक समान वेतन, राज कर्मचारी दर्जा, थाने की बेगारी ना कराई जाए, और वर्दी भत्ता से लेकर हमारा समाधान किया जाए। इस तरीके के मुद्दे आप उसमें लिखेंगे, कोई भी मुद्दा अपनी तरफ से अलग से नहीं लिखा जाएगा, इस बात को याद रखना। और जितने भी ज्ञापन आएंगे वो सारे ज्ञापन आप मेरे पास जमा कर देना, जब भी कहीं जाएंगे ज्ञापन तो आपके वो सारे ज्ञापन एक साथ दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुद्दा एक ही लिखा होना चाहिए, किसी का अलग मुद्दा होगा उसको तत्काल उसका ज्ञापन हटा दिया जाएगा। दूसरी बात, कोई भी वहां पर नेतागिरी करने नहीं आएगा, ना वहां नेतागिरी होने जा रही है, वहां पर समाज चौकीदारों के सम्मान की बात हो रही है। जो भाई हमारे मेहनत कर रहे हैं और लोगों को एक साथ लेकर के वहां चल रहे हैं, उन्हें सभी को सम्मानित किया जाएगा। संगठन के अगर पदाधिकारी पहुंचते हैं तो सर्वप्रिय उनका सम्मान होगा, चौकीदारों का सम्मान होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।